शहर के खान चौक स्थित एज मैथमेटिक्स के द्वारा एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट ईपीडीटी का सफल आयोजन किया गया। एज मैथमेटिक्स के डायरेक्टर आर के झा ने बताया कि इस टेस्ट के आयोजन का मकसद बच्चों को उनके वास्तविक स्तर से अवगत कराने का होता है। लगातार चौथे वर्ष इस साल भी 12वीं शुरू होने से पहले इस टेस्ट का आयोजन कर बच्चों की 11वीं गणित की तैयारी का आकलन किया गया। टेस्ट में मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल समेत मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 600 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। टेस्ट देकर के बच्चे काफी उत्साहित थे। हर साल टेस्ट को लेकर के बच्चों के मन में परीक्षा के लिए डर खत्म करना यह संस्थान का एक सराहनीय प्रयास होता है। मिथिलांचल के सभी संस्थानों को निश्चित रूप से एज मैथमेटिक्स के इस प्रयास का अनुकरण करना चाहिए। इस तरह के टेस्ट अगर शहर में होता है तो आने वाले समय में इंजीनियरिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिथिलांचल के बच्चों के बेहतर रिजल्ट की परिकल्पना की जा सकती है। विगत वर्ष एपीडीटी के मिथिलांचल के बच्चों के बेहतर रिजल्ट की परिकल्पना की जा सकती है। विगत वर्ष एपीडीटी के जितने सफल छात्र थे उनका इस वर्ष बोर्ड परिणाम काफी शानदार रहा। इसी मौके पर बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। ज्ञात हो कि इस वर्ष संस्थान के बच्चों ने गणित में 95 से अधिक अंक प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तबरेज आलम और सावेद ने गणित में 100 में से 98 अंक प्राप्त किए हैं। संस्थान के निर्देशक आर के झा ने सभी सफल बच्चों को सम्मानित किया और टेस्ट के सफल आयोजन के लिए कंडक्टिंग टीम को धन्यवाद ज्ञापन किया। नमस्कार, दरभंगा टाइम्स स्टूडियो बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। लगातार शिक्षा क्षेत्र में जो उत्कृष्ट करते आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हुए आ रहे हैं और दरभंगा के जाने माने शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक आर के झा सर के द्वारा एज मैथमेटिक्स के द्वारा आज एक एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट का आयोजन लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा है। यह चौथी बार भी किया गया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा एज पोटेंशियल टेस्ट सीरीज के माध्यम से बिहार बोर्ड में जो बच्चे 98, 99, 97 तक मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कितना फायदेमंद होता है ये सबूत हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में, ये टेस्ट सीरीज जो बताया जा रहा है एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट IIT JEE और 11th और 12th दोनों के लिए कितना फायदेमंद है हम बच्चों से आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जो शिक्षक इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है उनसे हम आपको बात कराएंगे, आर के झा सर से बात कराएंगे कि आखिर ये जो पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट है एज मैथमेटिक्स का वो बच्चों के लिए कितने फायदेमंद है। सर, लगातार 4 वर्षों से आप करते आ रहे हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर, 4 वर्षों से आप करते आ रहे हैं, क्या बच्चों के लिए कितना यह योगदान खुल रहा है? तो मैं बच्चे की कैटेगरी को जान पाता हूँ, लेवल को जान पाता हूँ, बच्चा किस लेवल का है सबसे पहला। और दूसरा सबसे पॉजिटिव बात यह है कि बच्चों के अंदर जो एग्जामिनेशन का डर है ना, जब आप कई सारे बच्चों से मिलेंगे जो इस बार 12 पास आउट किए हैं, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि शायद मुझे डर के कारण और कुछ नहीं बना पता, पहले भी था मैं डर गया, एग्जाम में गया कॉपी लेट से मिला, तो सब चीज़ों को डर कैसे खत्म हो उसके अंदर, इसके लिए स्ट्रेस का बहुत महत्व। सबसे पहला तो ये, दूसरा मैं बच्चों का लेवल बात देता हूँ कि ये बच्चा टॉप क्लास लेवल का है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, 3 या 4 लेवल में बैच को बांटता हूँ, तो इससे मुझे भी काम करने में सहूलियत होती है कि इस बैच में सारे बच्चे कमज़ोर हैं, उनके बेस को मुझे ठीक करना पड़ेगा, तो मैं उसी तरीके से उसी लेवल से मेहनत करता हूँ। और जो टॉप क्लास बच्चे हैं उस पर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी कॉन्शियस है, उसके अंदर बेस ठीक है, तो मुझे वहाँ भी मैं कम मेहनत में मुझे ज़्यादा और मिल जाता है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा महत्व सर, IIT JEE में बच्चे मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करें तो इस टेस्ट की सीरीज के माध्यम से बच्चे कितने सफल हो सकते हैं? इसका लेवल ही मतलब 0 to 0 वाला है। जब आप इसके क्वेश्चंस को बच्चे से आप पूछेंगे तो आप देखेंगे बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन है ताकि बेस भी पता होना चाहिए और टॉप क्लास लेवल का भी क्वेश्चन है,
ताकि वो जेई के लेवल को भी जान पाए कि किस लेवल तक हमें पढ़ना होगा जेई में अगर हमें जाना है। तो हर लेवल का क्वेश्चन है, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी टेस्ट में इससे बढ़ता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इससे बच्चों के अंदर बहुत सारा ग्रोथ है। सर हर साल इस तरीके का आयोजन करते हैं, अभी आपके सामने जो भी बच्चे हैं इन्होंने इस बार ट्वेल्व पास किया है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑलरेडी जो बच्चे प्रीवियस ईयर इस टेस्ट में एडमिट हुए थे और अभी जो टेस्ट चल रहा है वो इस बार का ट्वेल्व का है, इसके अनुसार कल से हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले, इसका रिजल्ट और फिर सिलेबस स्टार्ट कर रहे उसी अकॉर्डिंग हम लोग। आज जो सिर्फ टेस्ट सीरीज आप करवा रहे हैं कितने बच्चों ने इसमें भागीदारी की? लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने, यहाँ इस क्लासरूम में बैठा हुआ है, 500 से अधिक बच्चों ने इस टेस्ट का भी एडमिट लिया है। आज लगातार आर के झा सर एज मैथमेटिक्स के द्वारा दरभंगा में टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है, आप भी उसके कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। ट्वेल्थ का आपने एग्ज़ाम पास किया है, 98 मार्क्स लाए हैं आप, क्या सर का रणनीति रहता है और किस तरीके का टेस्ट सीरीज फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए? देखिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, इन्होंने मुझे शिद्दत के साथ पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाई की, और मतलब कई सारे स्टूडेंट शिद्दत के साथ पढ़िएगा, मतलब सिर्फ मोटिवेट रहने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। और बंदा डेडिकेट कब होगा? जब उसके पास कोई गोल होगा, क्योंकि गोल होगा तो बंदा को डेडिकेट होगा, और जब डेडिकेट होगा तो खुद से मोटिवेट होगा। और अभी सर ने खुद ही बताया कि इस मतलब क्वेश्चन शीट होता है उसमें मतलब बेसिक्स लेवल का भी क्वेश्चन होता है और टॉप लेवल का भी क्वेश्चन होता है, बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन होता है और जेई लेवल का भी क्वेश्चन होता है। असल में जो सर एलेवंथ से जो मतलब बच्चे लोग पास होगी ट्वेल्थ में जाते हैं तो सर बेसिक्स कुछ पढ़ाते हैं, तो उसी बेसिक्स के बेस पे सर इस टेस्ट का आयोजन करते हैं जिसका नाम एच पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट, नाम से ही पता चलता है, खुद के पोटेंशियल को टेस्ट करने का टेस्ट। तो मतलब बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं और सर को इस टेस्ट के बाद लेवल का पता चल जाता है, स्टूडेंट के लेवल का पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट चल रहा है, कितना फ़ायदेमंद आपके लिए रहा ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में और कितना नंबर आप लाए थे? मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा था वो टेस्ट, उससे मेरा बेस मजबूत हुआ था और बहुत चीज़ हुआ, जैसे कि आगे बढ़ने का, उसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका था जिससे हम आगे बढ़े, और उसमें मेरा नंबर 90+ था। तो देखा जाए तो ये टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है आपके हिसाब से? बहुत फ़ायदेमंद, इससे उसके बेस का पता चलता है और वो कौन सा ग्रुप में जाना चाहता है सर, उसको कौन सा कैटेगरी में रखना चाहते हैं जिससे वो बच्चा का पता चले कि कितना नीचे और कितना ऊपर है। इसी तरह से क्या नाम हुआ आपका? रौनक कुमार। आपने कितना नंबर हासिल किया ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में? 400। मैथ में? 80। तो क्या टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है और आज भी आयोजन किया गया है, तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि ये टेस्ट सीरीज कितने उनके लिए फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदा है, टेस्ट देखो पता मुझे कर सकते कि हम कितना लेवल पे हैं, क्वेश्चन मतलब सर जिस बोले ना कि अलग अलग करते, जिसका मतलब जिसका ज़्यादा मार्क्स आता है उनको अलग अलग बैच में दिया जाता है, तो उसके अनुसार वो मेहनत करते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं। अच्छा, तो कि जो रणनीति आर के झा सर का रहता है बच्चों का वीकनेस पकड़ने का, तो दरभंगा के ऐसे छात्र जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम ये करें वो करें, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सर के पास आए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सब टीचर ऐसे टेस्ट नहीं लेते हैं, सही से मतलब नहीं पढ़ाते, एक ही बैच में सारे बच्चे कर लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि सर हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट लेते चले जाते हैं? हाँ, बहुत टेस्ट लेते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भावना कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 96 नंबर मैथ्स में ट्वेल्थ में आपने स्कोर किया है और आर के झा सर लगातार टेस्ट सीरीज भी आयोजन कर रहे हैं, उससे बच्चों की क्षमता पता चलती है कि वो किस तरीके का बच्चे हैं और कितना कामयाब हो सकते हैं और उन पे कितना बेहतर मेहनत किया जा सके। तो जो बच्चे आज दे रहे हैं एग्ज़ाम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो ये है कि टेस्ट को अच्छा से दे और अपना रिजल्ट के हिसाब से वो अपना मेहनत करने के लिए अपना लगा रहे, जिससे जिनका मतलब मीडियम में आए वो और थोड़ा मतलब स्ट्रगल करे और थोड़ा और अच्छा लाने के लिए। सर का जो तरीका है पढ़ाने का कैसा लगता है आपको? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत औसम है, मतलब उनका बेसिक से लेके अपना हाई लेवल तक जाते हैं, मतलब सीट देते हैं, मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद सीट बनाइए,
और उसके बाद टेस्ट तो लेते हैं, उसके बाद फिर अपना पता कर लीजिए। कोई डॉट है तो आप सर से पर्सनली भी बात कर सकते हैं और ये ऑफिस में जाकर उनसे डॉट क्लियर कर सकते हैं। तो सर का तो बहुत अच्छा मतलब तरीका है पढ़ाने का और बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स का। तो टेस्ट से क्या फ़ायदा हुआ था आपको, आपने जो दिया? मतलब हमें भी 90 किलम से मैं आया था मार्क, तो उसके हिसाब से हमें बैच मिला था, उसके बाद हमें। क्या नाम हुआ आपका? निखिल प्रकाश।